शीट नंबर थर्टी फाइव इंग्लिश ग्रामर पर बेस्ड है यूज़ ऑफ़ इज़ एम और आर इस वर्कशीट में इज़ एम और आर का यूज़ आपको सिखाया गया है आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। आपको पिक्चर्स को देखना है और सेंटेंसेस को पढ़ना है लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो पहली पिक्चर में एक फ्लावर बना हुआ है दिस इज अ फ्लावर फ्लावर सिंगुलर है अकेला है इसलिए क्या लगा रखा इज सेकंड पिक्चर में एक बटरफ्लाई बनी है दिस इज अ बटरफ्लाई दैट इज अ बटरफ्लाई तो बटरफ्लाई भी एक है इसलिए इज लगा रखा है थर्ड पिक्चर में कंप्यूटर बना है इट इज अ कंप्यूटर कंप्यूटर भी एक है इसलिए इज लगा रखा है फोर्थ पिक्चर में एक डांसर बनी हुई है शी इज अ डांसर डांसर एक है इसलिए इज लगा रखा है फिफ्थ पिक्चर में लिख रखा है ही इज अ प्लम्बर प्लम्बर भी एक है इसलिए इज लगा रखा है प्लंबर कौन होता है जो आपके पानी के पाइप्स वगैरह ये सब ठीक

वे आदमी हैं दे आर मैन वे लड़कियां हैं दे आर गर्ल्स सो so, हम आर कहाँ यूज़ कर रहे हैं प्लूरल नाउन के साथ जहाँ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन आता है उसके साथ हम आर यूज़ कर रहे हैं मीन एक से ज़्यादा लोगों के साथ हम आर का यूज़ करते हैं और इस का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यहाँ पे सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आता है वहां पर हम का यूज़ करते हैं अब आपको कुछ सेंटेंसेस भरने हैं इज आर एम और एज़ आर और एम का यूज़ करते हुए पहला है दैट माई डॉल तो दैट इज माई डॉल पहले में कहेगा दैट इज माई डॉल सेकंड है दिस डैश माई होम दिस इज माई होम फिर नेक्स्ट है दीज एपल तो दीज आर एपल एप्पल ज्यादा है तो आर इट डैश अ लॉन्ग स्टोरी स्टोरी एक है तो इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी फिफ्थ है दोज dash सावर अप ग्रेप्स ग्रेप्स ज्यादा है तो क्या आएगा आर वो अंगूर खट्टे हैं द स्कूल डैश क्लोज today. स्कूल एक है तो स्कूल के, के साथ आएगा इज़ आज स्कूल बंद है आई डैश अ गुड स्टूडेंट आई के साथ हमेशा क्या आता है एम आई एम अ गुड स्टूडेंट Eighth है शी डैश अ beautiful गर्ल शी के साथ क्या आएगा इज आएगा नाइन्थ है दे इज़ डैश नॉट माई फ्रेंड्स दे डैश नॉट माई फ्रेंड दे के साथ दे एक से ज़्यादा होते हैं दे मीन्स वे सब तो यहाँ पे क्या आएगा आर आएगा नाइन्थ सेंटेंस में आएगा फिर टेंथ है ही डैश माई फेवरेट टीचर वो ही एक है एक टीचर की बात हो रही है तो इज़ आएगा तो इस तरह से इज आर और एम का यूज़ करके हमने क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट कर लिया अब एज आर एम के यूज़ के बाद आपको सिखाया गया हैज़ और हैव का यूज़ हैज़ और हैव का भी वही रूल होता है जो हैज़ होता है वो सिंगुलर लाउंड या प्रोनाउन के साथ रखता है और जो हैव होता है वो प्रूरल लाउंड या प्रोनाउन के साथ लगता है

लगता है आई यू और जो ज्यादा होते हैं एक से ज्यादा होते हैं जो प्रूर में होते हैं प्रोनाउंस या नाउंस एक से ज्यादा लोगों के साथ हम हैव लगाते हैं और बाकी जो सिंगुलर होते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़ लगाते हैं अब सेंटेंसेस देख लेते हैं ही हैज़ मैनी टॉयज उसके बाद बहुत सारे टॉयज हैं उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राधा हैज़ मैनी टेडी बियर राधा के पास एक टेडी बियर है शी हैज़ अ न्यू बॉल उसके पास एक नई बॉल है स्कूल हैज़ अ बिग लाइब्रेरी स्कूल की एक बड़ी लाइब्रेरी है ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं वी हैव अ पेट डॉग हमारे पास एक पालतू डॉग है दे हैव अ कार उनके पास एक कार है यू हैव अ नाइस वॉच तुम्हारे पास एक अच्छी घड़ी है सुंदर घड़ी है द स्टूडेंट्स हैव देयर ओन लंच स्टूडेंट्स अपना खुद का लंच करते हैं दे हैव देयर ओन लंच उनके पास अपना खुद का खाना है आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस मेरे पास एक सुंदर सी ड्रेस है तो आई यू और ज़्यादा के साथ क्या लगेगा हैव और बाकी सब के साथ क्या लगेगा हैज उसके बाद हमें हैज़ और हैव का यूज करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं पहला सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं नाउ लेट अस ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज और हैव बाई स्कूल डैश आ लार्ज ऑडिटोरियम स्कूल एक है तो क्या लगेगा स्कूल के साथ हैज़ मेरा स्कूल में एक बड़ा ऑडिटोरियम है शी डैश ब्लैक हेयर उसके काले बाल हैं शी सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा शी मतलब एक लड़की ही डैश मैनी बैट्स उसके पास बहुत सारे बैट है उस लड़की के पास तो उसके पास ही हैज़ मैनी बैट्स दे डैश नो मोबाइल नंबर नो मोबाइल फ़ोन अब देर एक से ज़्यादा होते तो यहाँ पे क्या आएगा हैव आएगा जो फोर्थ वाला है उसमें हैव आएगा फिर फिफ्थ में रवि एक है रवि के पास नया अम्ब्रेला है तो रवि हैज़ अ न्यू अम्ब्रेला अब सिक्स सेंटेंस है यू डैश अ लवली स्माइल तुम्हारी लवली स्माइल है यू के साथ क्या लगता है हमेशा हैव फिर इट डैश मैनी स्टोरीज इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं तो इट हैज़ मैनी स्टोरीज आई डैश अ ब्लू पेन आई हैव अ ब्लू पेन फिर नाइन्थ है वी डैश फ्रेंड्स हेयर वी है आई हैव अ ब्लू पेन उसके बाद वी डैश फ्रेंड्स है सो वी हैव फ्रेंड्स ये आई और यू के आई वी एक से ज़्यादा है तो उसके साथ भी क्या 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 लगेगा हैव लगेगा द टीचर्स डैश आर लॉट ऑफ नॉलेज टीचर्स के पास बहुत सारी नॉलेज है तो टीचर्स एक से ज़्यादा बता रखे हैं इसलिए हैव है अगर टीचर होता तो हैज़ लगाते आई के साथ यू के साथ और प्ल के के साथ हमारा हैव लगेगा एक से ज़्यादा लोगों को जो बताते हैं उनके साथ हमारा हैव लगेगा और बाकी सबके साथ हमारा हैज़ का यूज़ होगा तो हैज़ सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और प्रोनाउन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है और हैव प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है इस तरह से इज आर एम और हैज़ हैव के यूज़ पर बेस्ड आपकी जो आज की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है